नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि व्रत की रेसिपी जो की है सिंघाड़े आटे की पूड़ी। तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ी आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ही मुलायम बहुत ही टेस्टी, इसको आप दही के साथ या फिर आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज के बॉईल किए हुए आलू लिए, आप चाहें तो 2 मीडियम साइज के आलू भी ले सकते हैं। इसको हमें कद्दूकस की हेल्प से ग्रेट करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आलूओं को ग्रेट करके रख ले। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप सिंघारे का आटा लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने ऐड किया है, और कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन पूरियों में नमक मैं ऐड नहीं करूंगी, सेंधा नमक जो होता है व्रत का नमक, आप चाहें तो इसमें आधी छोटी चम्मच ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज इसको बिना नमक के बनाऊंगी। तो अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, नमक खाते हैं तो नमक डाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसका हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पर आलू की हेल्प से ही हम पूरा आटा लगाएंगे, इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो अच्छे से मिक्स करते जाइए, आप देखेंगे आटा लग जाएगा। अगर इन केस आपको आटा लूज लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा बढ़ा सकते हैं, मिला सकते हैं। और आटे को हमें थोड़ा सा इस तरह से लगाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमने किस कंसिस्टेंसी का आटा लगाया है। तो आटा हमारा लग चुका है, आप इस तरह से नींबू की साइज का आप पेड़ा ले सकते हैं, इसको गोल कर लें और उसके बाद में सिंघाड़े आटे से हम इसको डस्ट करके इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक बेलकर दिखाती हूँ। तो इसको हम सबसे पहले कोट कर लेंगे सिंघाड़े के आटे पर। तो देखिए, बेलन की हेल्प से बहुत हल्के हाथों से हमें इसे बेलना होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देते हुए ना बेलें वरना ये फट जाएगी, हल्के हाथों से ही बेलना है इसे। तो ये देखिए, सारी पूड़ियां इसी तरह से बेल बेल कर हम रेडी कर लेंगे। तो 2 पूड़ियां मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो पूरी देखिए 2 मैंने बेल ली है, अब मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने तेल गरम कर लिया है, आप घी में भी आप पूरियों को सेक सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, आप पूरी डाल दें, हल्का सा इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करते हुए आपको इसको घुमाना है। जब ये फूल जाएगी और नीचे से हल्की सी सिक जाएगी, उसके बाद में इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए, इसमें कलर आने लगा है फ्रेंड्स, इसको पलट कर भी हम सेक लेंगे। अगर ये नहीं फूलती है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल वरी ना करें, क्योंकि शुरुआत की 1-2 पूड़ियां होता है फ्रेंड्स नहीं फूलती हैं, उसके बाद में जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे ये फूलती जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 1 पूरी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ डालकर। कुछ सेकंड तक आप इसको इसी तरह से रहने दें, जैसे ही नीचे से सिकना शुरू होगी उसके बाद में इस तरह से प्रेस करेंगे हम इसको, और आप देखेंगे कि ये फूलने लगेगी। पलट दीजिए, पलट कर भी हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है तो ये फूल जाएगी। और देखिए, बहुत ही हमारी सुंदर सी सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बनकर रेडी हो रही है। तो सारी पूड़ियां इसी तरह से हमें बनाकर रेडी करनी है। जब इसमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा तो आप इसको इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन करते हुए निकाल लें, किनारे पर लगाकर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें, उसके बाद में आप इसको निकाल लें। तो गर्मा गर्म आप इसको जो व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी होती है, कद्दू की सब्जी होती है, रायता होता है, उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो सिंपल आप दही में शक्कर डाल के भी खा सकते हैं, या फिर किसी भी मिठाई से भी खाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मिठाई के साथ पूड़ी खाते, क्या आप भी खाते हैं पूड़ी और मिठाई? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर ऐसा है तो। ये देखिए, एक और पूड़ी यहाँ पर हमने बनाकर रेडी कर ली है और बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसी तरह से आप घर में अपने बनाइए, व्रत के लिए बनाइए, और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी जरूर बताइएगा। सिंपल दही के साथ भी चाहे तो इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको सिंघाड़े की आटे की पूड़ी पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।